माँ अहिल्या की नगरी इंदौर में विश्व हिंदू परिषद मालवा प्रांत की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। प्रेमराज मैरिज गार्डन एंड रिजॉर्ट पर आयोजित इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई, जहां बैठक में तमाम साधु संतों और परिषद पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और उन्होंने विभिन्न निर्णयों पर अपनी मुहर भी लगाई। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद मालवा प्रांत की 3 दिवसीय बैठक प्रेमराज मैरिज गार्डन एंड रिजॉर्ट इंदौर में संपन्न हुई। इस बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी प्रांत मंत्री विनोद शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि इस साल परिषद अपने 60 साल पूरे करने वाला है, जिसे षष्ठी पूर्ति के रूप में मनाया जाएगा और अपने उद्देश्यों को लेकर केंद्रीयकरण किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद में बैठक का क्रम वर्ष में 2 बार होता ही है और इस क्रम में जो है यह बैठक इसके पूर्व में रायपुर में हमारी 24 से 26 जुलाई तक अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद की बैठक हुई। उस बैठक में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में जो हुई थी उसको 60 वर्ष पूर्ण होने पर षष्ठी पूर्ति इस अभियान इस महोत्सव उत्सव के रूप में पूरे विश्व में मनाना है उसकी योजना और उस योजना के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद जहाँ जहाँ अभी समितियों में कमी है उन समिति को पूर्ण करने का लक्ष्य, जहाँ जहाँ समरसता के ऊपर समस्या है उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए, जहाँ जहाँ मठ मंदिरों के लेकर के अर्चक पुरोहितों के लेकर के समस्याएं हैं, इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के समय और भी जो हिंदू जीवन मूल्यों के विषय पर थे उन सब के ऊपर विश्व हिंदू परिषद ने केंद्रित बिंदुओं मान करके इस षष्ठी पूर्ति में एक लक्ष्य के रूप में पूरे भारत में और अभी जो 3 दिवसीय यहाँ प्रांत अभ्यास वर्ग और प्रांत बैठक चली इसमें प्रांत का लक्ष्य तय किया गया कि इतने समय में इतनी समिति होगी, इतने समय में हम इतने गोवंश को बचाएंगे, ऐसे अन्य सारे मुद्दों के लिए जो है विश्व यूनिवर्सिटी ने सारे जिला स्तर के पदाधिकारी प्रांत स्तर के पदाधिकारी विभाग स्तर के पदाधिकारी करके एक वृहद योजना बनाई कि षष्ठी पूर्ति 60 वर्ष पूर्ण होने के उसमें विश्व हिंदू परिषद अपने जो उद्देश्य को लेकर के चल रहा था उसकी पूर्ति के लिए इस तेजी और गति के साथ हम उसको पूर्ण प्राप्त करें, ऐसा इस बैठक में सारा विषय चला। ये कभी देश भर में मुद्दा है सामान्य आचार संहिता। वीएचपी की इस खास बैठक में वेब सीरीज में परोसी जा रही अश्लीलता को लेकर गुस्सा जाहिर किया गया और इस पर रोक लगाने की भी मांग की गई। साथ में धर्मांतरण के बढ़ते मामलों को लेकर भी चिंता जाहिर की गई। वेब सीरीज और फिल्मों में जो अश्लीलता फैलाई जा रही है उसके लिए कुछ प्रस्ताव पारित हुए थे, वो क्या? वेब सीरीज और जो टीवी सीरियल्स या फिल्मों के माध्यम से भारतीय संस्कृति के ऊपर जो कई वर्षों से लगातार आघात होता रहा था जिससे कि यहाँ की संस्कृति में विकृति पैदा हो गई थी, उन सब विकृतियों को दूर करने के लिए यही एक मांग थी कि जो भी हमारे जीवन मूल्य आधारित है, हमारे देवी देवता हैं या यहाँ की जो संस्कृति परंपरा रही है उसको हास विरोध में न लेकर के यहाँ के श्रद्धापूर्वक उसके ऊपर वो काम करें और इसके लिए उसके काउंटर अटैक के लिए भी जो है उच्च स्तर पर प्रयास चल रहा है और आप देख रहे हैं लगातार 2-3 फिल्में उसके काउंटर अटैक के रूप में अभी प्रस्तुत की है। अन्य वहाँ पर अन्य धर्म अन्य स्कूल में जैसे खंडवा में या और कहीं भी इस तरह का विषय धर्मांतरण को लेकर के कुछ ऐसा आता है तो स्कूल क्या कहीं पे किसी भी क्षेत्र में अगर धर्मांतरण संबंधी विषय आता है तो विश्व हिंदू परिषद सदैव जो है उसके लिए तत्पर है, कड़े से कड़ा उसका विरोध हर स्थिति में जैसे वो चाहेंगे उस भाषा में उसका जवाब देंगे, धर्मांतरण तो होने नहीं देंगे, यह सारा संकल्प विश्व हिंदू परिषद का है। चुनावी वर्ष भी है मध्य प्रदेश में तो विश्व हिंदू परिषद की क्या भूमिका है? चुनावी वर्ष में ये चूँकि एक गैर राजनीतिक पार्टी
हमारा संस्था है विश्व हिंदू परिषद, तो इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन जो धर्म के साथ खड़ा है, भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि जो धर्म के साथ खड़ा है उनके साथ हम खड़े हैं। और क्योंकि जन्माष्टमी पे इसकी स्थापना हुई थी, भगवान कृष्ण को ही आदर्श और स्वरूप को लेकर के कई विषय हम लोगों में चले हैं, तो जहाँ जहाँ धर्म की बात होगी हम उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। बैठक में संत राम गोपाल दास महाराज, संगठन महामंत्री विनायक राव देशपांडे, क्षेत्र गौरक्षा प्रमुख सोहन विश्वकर्मा, प्रांत उपाध्यक्ष डॉक्टर माला सिंह ठाकुर, सह प्रांत प्रचार प्रसार प्रमुख रवि कसेरा, मुकेश जैन, महेश गोठी समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।